पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए या अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है। प्रभु से आज हम विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे हृदयों में, हमारे मन में आकर बस जाए। वही पुनर्जीवित प्रभु यीशु जिन्होंने हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दिया है, क्योंकि जो ईश्वर का कार्य है वह कभी नहीं रुकता है। ईश्वर का कार्य हमेशा बना रहता है। जो ईश्वर की ओर से आता है वह ईश्वर की बातें बोलता है। इसलिए क्रिसमस में प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए विशेष सुंदर अवसर के लिए प्रार्थना करें और इस महामारी से मुक्ति के लिए हम विशेष रूप से ही प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे बीमार भाई बहनों को प्रभु अपने संरक्षण में रखें, अपने चंगाई भरे हाथ से उन्हें स्पर्श करके उन्हें चंगाई प्रदान करें। हाँ, हमारे हृदय को भी प्रभु के सामने समर्पित करें। जिन भाई बहनों ने प्रार्थना की मदद मांगी है, उन सभी की प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें। उन सभी के जीवन को प्रभु के सामने रखें। जो अस्पतालों में भाई बहन बीमार हैं, घरों में भाई बहन बीमार हैं, उन सभी की विशेष चंगाई के लिए प्रार्थना करें। गाँवों में बहुत सारे भाई बहन बीमार हैं जिन्हें चिकित्सा नहीं मिल पा रही है, प्रभु उन सभी को अपने संरक्षण में ले लें, उन सभी को चंगाई और आशीष प्रदान करें। इसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। जिन भाई बहनों ने मिस्सा बलिदान अर्पित किए हैं, उन सभी की प्रार्थनाओं को, मन्नतों को, निवेदनों को प्रभु के सामने रखते हुए आइए हम अपने गुनाहों को कबूल करें, जो हमने हृदय से, मन से, वचन से अपने भाई बहनों के प्रति पाप किए हैं, ईश्वर के प्रति पाप किया है। उसके लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुवारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू विश्वासियों की आशा और ज्योति है, ऐसी कृपा कर कि हम प्रार्थना में अपना हृदय तेरी ओर लगाए रहे और तेरा महिमा गान करना कभी न भूले। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वचन संख्या 34 से 44 तक। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। उस समय गमालियेल नामक फरीसी, जो संहिता का शास्त्री और सारी जनता में सम्मानित था, महासभा में उठ खड़ा हुआ। उसने प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का आदेश दिया और महासभा के सदस्यों से यह कहा, इज़राइली भाइयों, आप सावधानी से विचार करें और इन लोगों के साथ क्या करने जा रहे हैं। कुछ समय पहले थियूदस प्रकट हुआ। वह दावा करता था कि मैं भी कुछ हूँ, और लगभग 400 लोग उसके अनुयायी बन गए,
वह मारा गया, उसके सभी अनुयायी बिखर गए और उनका नामो निशान भी नहीं रहा। उसके बाद जनगणना के समय युधिष गलीली प्रकट हुआ। उसने बहुत से लोगों को बहकाकर अपने विद्रोही में सम्मिलित कर लिया। वह भी नष्ट हो गया और उसके सभी अनुयायी बिखर गए। इसलिए इस विषय के संबंध में मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आप इनके काम में दखल मत दें और इन्हें अपनी राह चलने दें। यदि यह योजना अथवा आंदोलन मनुष्य का है तो यह अपने आप नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि यह ईश्वर का है तो आप इन्हें नहीं मिटा सकेंगे और ईश्वर के विद्रोही प्रमाणित होंगे। वे उसकी बात मान गए। उन्होंने प्रेरितों को बुला भेजा, उन्हें कोड़े लगवाए और यह कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग यीशु के नाम लेकर उपदेश मत दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जाकर शिक्षा देते रहे और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य आलेलुया। आलेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किस से डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किस से भयभीत हूं? अनुवाक्य आलेलुया। मैं प्रभु से यह प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्रछाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं। अनुवाक्य आलेलुया। मुझे विश्वास है कि इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य आलेलुया। जय घोष आलेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 6 पद संख्या 1 से लेकर 15 तक। यीशु गलीलिया अर्थात तिबरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियाँ खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वह तो जानते थे कि वह क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियाँ भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सिमोन पैत्रुस के भाई अंद्रेस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाई।
उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो जिससे कुछ भी बर्बाद न हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे जो लोगों के खाने के बाद जो कि 5 रोटियों से बच गए थे। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोले, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में जब गमालियल नामक एक फरीसी था, महासभा हो रही थी और शिष्यों को दंड देने के लिए वे सोच रहे थे, उस समय यह फरीसी बहुत ही निडरता के साथ अपनी सभा में बात रखता है और प्रभु के शिष्यों को बचा लेता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस धरती पर आए, अपने अपने पंथ का प्रचार करना चाहा, लेकिन कुछ समय बाद उनका साम्राज्य खत्म हो गया। कितने ही राजा आए, उनका साम्राज्य खत्म हो गया। कितने ही गुरु आए, उनका साम्राज्य खत्म हो गया और लोग उन्हें याद भी नहीं रखते। जब गमालियल ने विशेष रूप से इस बात को रखा कि अगर जो ईश्वर की ओर से आता है तो वह हमेशा बना रहता है, अगर जो ईश्वर की ओर से नहीं आता है वह मिट जाता है, इसलिए उन्होंने दो उदाहरण भी दिए। जब उनकी बात इस तरह से प्रमाणित हुई तब वहाँ के जो फरीसी थे वे मान गए कि हम यीशु के शिष्यों को छोड़ देते हैं। इसलिए जब यीशु के शिष्यों ने कोड़े खाए और कोड़े खाने के बाद उन्हें छोड़ दिया कि अब से तुम यीशु का नाम का प्रचार मत करना, लेकिन फिर भी वे बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें प्रभु यीशु के नाम पर कोड़े मिले, प्रभु यीशु के नाम पर उन्होंने मार खाई। आज भी ऐसे भाई बहन हमें देखने को मिलते हैं जो यीशु के नाम पर दुख दर्द उन्हें सहन करना होता है और वे सहन कर रहे हैं। आज भी हम विशेष रूप से हमारे भारत देश में ही देख लीजिए कि कितने ही दुख दर्द क्रिश्चियों पर होते हैं, कितने ही प्रताड़नाएं उन पर की जाती हैं, लेकिन फिर भी हम उन सभी बैरियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें प्रभु यीशु का नाम अभी तक नहीं मिला है या जो प्रभु यीशु को अभी तक नहीं जान पाए हैं। आज जब प्रेरित सब आनंदित हुए कि उन्हें प्रभु यीशु के नाम से अपमानित होना पड़ा, ऐसे ही कई परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आती हैं। कई बार हमें भी प्रभु का नाम लेने से हमें लोग अपमानित करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपने कार्यों में लगे हुए हैं या ऑफिस में काम करते हैं, कई बार मुझे सुनने को मिलता है कि उन्हें भी क्रिस्त होने के नाते उन्हें भी प्रताड़ित किया जाता है या उन्हें भी बार बार ट्रांसफ़र दे दिया जाता है। तो इस तरह की परिस्थितियाँ हमारे जीवन में भी है, हमारे आसपास में भी हैं, लेकिन जब प्रभु ने हमें चुना है तो हम प्रभु के कार्यों को करें, प्रेम का संदेश लोगों तक पहुँचाएँ, उसी के लिए हम सभी बुलाए गए हैं। आज जिस तरह से प्रभु ने लोगों को भोजन खिलाया, इतनी महासभा में इतनी बड़ी भीड़ को प्रभु ने भोजन कराया, आज हमारे जीवन में भी प्रभु के भोजन की आवश्यकता है। आज जब हम मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं तो विशेष रूप से आज ज़रूरी है कि हम प्रभु के परम प्रसाद को, प्रभु को जब ग्रहण करते हैं, प्रभु के शरीर को, प्रभु के लहू को जब हम ग्रहण करते हैं, तो आज हम प्रभु से शक्ति मांगे, प्रभु से हम विशेष रूप से चंगाई मांगे कि प्रभु
और जब हम आपको आध्यात्मिक रूप से ग्रहण करें, भले चंगे हो जाए, हमारे आसपास में जो भाई बहन बीमार है वे सभी ठीक हो जाएं, और उसी से प्रभु की महिमा हो, प्रभु का साम्राज्य फैल जाए। इसीलिए हम देखते हैं कि पूरे संसार में ख्रिस्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यह ईश्वर का कार्य है और ईश्वर के द्वारा हम सभी बुलाए गए हैं। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, भेंट का गीत गाते हुए, भक्ति भाव से प्रार्थना करते हुए, इस पवित्र वेदी पर अपनी प्रार्थनाएं रखते हुए हम सभी के लिए प्रार्थनाएं करें, और सभी बीमार भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें जल्द से जल्द चंगाई प्रदान करें। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपने परिवार का चढ़ावा दया पूर्वक स्वीकार कर, तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत उपहार प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति के संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। स्तुति गाए, गाए हम सब मिल गए, जीवन दे ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समक्ष उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक फादर मैथ्यू तड़वनाल और फादर जॉन पीटर की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेतो तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम प्रभु परमेश्वर के सामने फिर से हमारी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को रखें और उसी प्रार्थना को दोहराएं
जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र युक्रिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हमारे प्रभु क्रिस्त हमारे अपराधों के कारण पकड़वाए गए और हमारे पाप मुक्ति के लिए जी उठे। आलेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हमें सुरक्षित रख। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अब हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाएं। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। आलेलुया, आलेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। आलेलुया, आलेलुया। यीशु क्रिस्त कब्र में से जी उठा, प्राण करता जी उठा, मुक्तिदाता जी उठा, जगत विधाता जी उठा, जी उठा, जी उठा, प्राण तज के यीशु ने मौत को भी जीती।
पाप जाने तोड़ दिया, मुक्ति मार्ग खोल दिया, शान से वह जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, यीशु क्रिस्त कब्र में से जी उठा, त्राण करता जी उठा, मुक्तिदाता जी उठा, जगत विधाता